करेंगे हम लोग क्या है इस मॉस्फेट का नंबर। तो इस मॉस्फेट का Q187 187 ठीक है, ये हमने टाइप किया। तो यहाँ पर ये मॉस्फेट हमारा आ गया होगा। ये देखिए मॉस्फेट है हमारा, ये SB सेक्शन के लिए मॉस्फेट होता है। किसके लिए मॉस्फेट होता है? SB सेक्शन के लिए मॉस्फेट है, जो कि इस पे जो सप्लाई आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, और ये 3.3 में कन्वर्ट कर रहा है, और RN रीसेट यहीं से आउट हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑलवेज बनता था तब RN रीसेट आउट होता था, और इसमें SB जब बनता है तब RN रीसेट आउट होता है। बस फर्क इतना ही, आउट हुआ तो RN रीसेट भी आउट हो रहा है। हाँ, IO पे भी जाता है ये सप्लाई, यहाँ पे आ गए यहाँ पे, ठीक है। ये आउट करने के बाद ये जाएगा RTC के डायोड पे भी जाएगा, BIOS पे भी जाएगा, इन सभी जगह पे जाता है। और इसका गेट कहाँ से इनेबल हो रहा है तो वो हम देखेंगे कि यहीं से ये सप्लाई लेकर एक रजिस्टर लगा के यहीं से इसका गेट इनेबल करवा दिया है। ठीक है, इसमें कोई ताम झाम तो है ही नहीं, यानी यहीं पे एक रजिस्टर लगाया और इसी से इसका गेट इनेबल करवा दिया गया। और यही RM रीसेट का जो सप्लाई है वो कहाँ जाता है? IO पे चला जाता है, जो कि 19 नंबर पिन पे पेज पे है और 24 नंबर पेज पे। कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ से कंट्रोल वी करेंगे, तो RM रीसेट दो जगह जाएगा, क्योंकि एक जाता है ब्रिज पे और एक जाता है IO पे। ठीक है, तो ये आपका किस पे आ रहा है वो हम देख लेते हैं। RM रीसेट ये ब्रिज पे है, U9 जो देखेंगे कि U9 ब्रिज जो हमारा है वो ये वाला होगा U9। इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, सर चाय पी लीजिए, पीते भी देखो पी लीजिए सर, चाय मैं उसे पीता नहीं, कभी कभी पी लेता हूँ। अब ये दीदी का आदत बना रखा है तो मैं कभी क्या करूँ। चाय को